अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोन्स। इस वीडियो में हम draw.io को विंडोज पीसी पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बेसिक यूजेज का तरीका देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। draw.io आप विंडोज पीसी में एज अ प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली वेब पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें और यहाँ पे draw.io लिख के एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे लैंड करेंगे। यहाँ पे आप डिवाइस पे सिलेक्ट कर लें और क्रिएट न्यू डायग्राम, यहाँ से ब्लैंक डायग्राम को सिलेक्ट कर लें और क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी और ये आपसे पूछ रही है वो लोकेशन जहां पे ये फाइल सेव की जाएगी। मैं करंटली इसको डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव कर दूंगा। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लूंगा, उसका नाम मैं draw.io files ये उसका नाम रख दूंगा। एंटर करके इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख दूंगा डेमो फाइल। सेव पे क्लिक करूंगा और ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये draw.io का इंटरफेस है जिसको यूज करते हुए आप ऑलमोस्ट किसी भी किस्म की डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको एक टेबल चाहिए यहाँ पे आप शेप्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी टेबल का नाम लिया, टेबल लिख के मैं सर्च करूंगा, सर्च के लिए आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये टेबल्स टाइप नजर आ जाएंगी। अगर इसमें से आपको जो चीज आप सर्च करना चाह रहे हैं वो नहीं है, आप मोर रिजल्ट्स पे क्लिक करें, ऑल रिजल्ट्स लोड हो जाएंगे। अगर किसी के सिर्फ उतने रिजल्ट होंगे तो वो बता देगा कि ऑल रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है। मैं लोड मोड पे फिर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये और ज्यादा शेप्स को लोड करता जा रहा है। करंटली मुझे ये जो टेबल टाइप है ये बेहतर लगी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो शेप है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। मैं बाहर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये शेप यहाँ पे हर एक चीज एडिटेबल है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और इसको एडिट करके कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, बैक स्पेस डिलीट के लिए और यहाँ पे एसन टाइप कर दूंगा। इसी तरह आप बाकी सारी शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बेसिकली अगर आप सारी शेप्स को गो थ्रू करना चाहें तो वन बाय वन, ये जनरल का टैब है, इसमें जनरल शेप्स अवेलेबल हैं। उसके बाद ये एक और टैब है और एडवांस बेसिक, यहां से आप सारी शेप्स को गो थ्रू कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी करके दिखाया, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक शेप को चाहते हैं जैसे एप्पल, आप उसको लिख के एंटर करें और जो अवेलेबल शेप्स होंगी वो सारी आपको सर्च रिजल्ट में आ जाएंगी। यहां से आप इसको स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो प्रोपोर्शन है, जो डायमेंशन या एक्सपेक्ट रेशियो है वो डिस्टोर्ट, वो खराब हो रही है। तो उसको बरकरार रखने के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो जो इसकी एक्सपेक्ट रेशियो होगी वो बरकरार रहेगी, जो सिंबल है वो खराब नहीं होगी। आप इसको जितना मर्जी चाहे ड्रैग करके जूम इन कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट है उसको जूम इन और आउट करने के लिए आप कंट्रोल का बटन दबाएं और व्हील के थ्रू, माउस पे जो व्हील है उसके थ्रू जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डॉक्यूमेंट का साइज रिड्यूस हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगी, और जब स्क्रॉल अप करेंगे तो डॉक्यूमेंट का साइज एनलार्ज हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। आप किसी भी शेप पे, मैं बाहर क्लिक करूंगा, अभी कोई भी शेप सिलेक्टेड नहीं है, आप किसी भी शेप पे क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हैं, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। आप शेप्स का एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे साइड बार में आप देख सकते हैं कि आपके पास इसके स्टाइल्स के ऑप्शन आ रहे हैं। इस शेप को सिलेक्ट किया तो ये जो स्टाइल और बाकी सारे जो ऑप्शन थे इस शेप के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल ये सिलेक्टेड है और ये कलर इसमें फिल हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कलर पिकर मेरे पास आ जाएगा। आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पर्पली शेड को सिलेक्ट करके अप्लाई करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी टैब, ये सारे टैब्स इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू कर सकते हैं। हर एक स्टेप
प्रिटी एक्सप्लेनेटरी है, सिर्फ आप उसको एक दफा यूज करेंगे आप उसकी समझ लग जाएंगे। नेक्स्ट, इस draw.io को एज अ प्रोग्राम विंडोज में इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक और जो ऑप्शन है वो दिखाना चाहूँगा, शेयर। बेसिकली अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एज इट इज किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और आपको ये डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले आपको अपने किसी भी एक गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन करके इस वेबसाइट को ऑथराइज करना पड़ेगा ताकि ये इस फाइल को आपकी गूगल ड्राइव में सेव करके आपको एक शेयरेबल लिंक दे सके। तो ये तरीका कार है अगर आप अपनी draw.io की फाइल को किसी के साथ शेयर करना चाहें। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसको एज अ प्रोग्राम विंडोज में इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके लिए आप एक न्यू टैब ओपन कर लें और GitHub लिखें और उसके बाद स्पेस देके draw.io ये लिख के एंटर करें। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो आपके पास फर्स्ट सर्च रिजल्ट आएगा jgraph/draw.io। बेसिकली draw.io ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका सोर्स कोड एज इट इज पब्लिकली अवेलेबल है। आप अगर एक प्रोग्रामर हैं तो आप इसके सोर्स कोड को स्टडी करके अपनी कोडिंग स्किल को इन्हांस भी कर सकते हैं, और इसमें कोई भी फीचर अगर आप स्टडी करना चाहें कि ये फीचर कैसे काम कर सकता है तो इसका जो सोर्स कोड है वो इस लिंक पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे रिलीजेस पे। बेसिकली ये जो हम रेपो में आए हैं ये draw.io की वेबसाइट की जो रेपो है वो है, यहाँ पे आप इसका लिंक भी देख सकते हैं। हमें मेनली जिस रेपो में जाना है वो इसकी डेस्कटॉप रेपो है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा jgraph पे, ये इसकी मेन प्रोफाइल में आ जाएगा और यहाँ पे सामने ही जो पिंड रेपोज है उनमें से सेकंड नंबर पे draw.io डेस्कटॉप, ये मेनली जो डेस्कटॉप ऐप जो मैक पे और विंडोज पे अवेलेबल है यहाँ पे उसका लिंक अवेलेबल है। इस रेपो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ से हम क्लिक करेंगे रिलीजेस पे। रिलीजेस के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करें और फर्स्ट में एसेट ड्रॉप डाउन में अगर ये आपके क्लैप्स हो तो इस पे क्लिक करके इसको अनक्लैप्स कर लें और यहाँ पे फर्स्ट वन पे क्लिक करें विंडोज इंस्टॉलर, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने इस सीरीज में पहले फ्री डाउनलोड मैनेजर को इंस्टॉल करके सेटअप कर लिया था तो उसने डाउनलोड को कैच कर लिया है और डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी ब्राउजर की निस्बत बेहतर आ रही है। यहाँ पे मैं वापस आ जाऊँगा, मैंने विंडोज इंस्टॉलर्स इंस्टॉल किया है, डाउनलोड कर रहा हूँ। आप अगर मैक ओएस पे हैं तो आप ये वाली .dmg फाइल इसको डाउनलोड करेंगे, और अगर आप यूबंटू यूजर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शो ऑल एसेट्स पे और यहां से आप क्लिक करेंगे ये वाली फाइल .deb। यहाँ पे ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि विंडोज इंस्टॉलर आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक ओएस यूनिवर्सल और लिनक्स के लिए ये टाइप्स अवेलेबल है। ओके, हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा, वो जो हमें एक एडमिन अलर्ट आता है उसको यस पे क्लिक किया। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका पाथ चेंज कर दे, अदरवाइज मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट होगा draw.io एज अ प्रोग्राम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा और हमारे यूज के लिए अवेलेबल होगा। मैं इसके पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट होने का वेट करूंगा, तब तक मैं यहाँ से इस फाइल को लिस्ट में से डिलीट कर दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे draw.io इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं चेक मार्क ही रहने दूंगा और इसको फिनिश करूंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि draw.io एज इट इज जैसे कि हमने वो वेबसाइट को जब लोड किया था जैसे वहां पे स्टार्ट हुआ था यहाँ पे भी एज इट इज स्टार्ट हो गया। वेबसाइट और इस लोकल ऐप में फर्क ये है कि वेबसाइट पे आपके पास ऑप्शन था कि आप इसको गूगल ड्राइव में सेव कर लें, और भी ऑलमोस्ट टोटल 6 ऑप्शन थे आपके पास सेव करने के लिए। लोकल जो
सॉफ्टवेयर है उसमें आप इसको सिर्फ अपने सिस्टम पे लोकली सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर लूँगा और ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम, हम वो वाली डायग्राम ओपन करेंगे जिस पे हम अभी काम कर रहे थे। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक करके मैं इसको एक्सपेंड कर लूँगा, मैक्सिमाइज कर लूँगा। मैंने वो फाइल सेव की थी डाउनलोड्स में और draw.io फाइल्स में, और यहाँ पे ये डेमो फाइल थी। मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये डायग्राम यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम एज इट इज़ अवेलेबल है। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जूम आउट हो रही है। स्पेस प्रेस करके मैं लेफ्ट क्लिक, स्पेस प्रेस है और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके मैं इधर लेफ्ट राइट ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट में मूव कर सकता हूँ। ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप draw.io को विंडोज पीसी पे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको आप किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन टूल आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसका सोर्स कोड किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.